के पहले चरण में 3,847 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। 8 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 9 जनवरी को नाम वापसी का दिन होगा। 17 जनवरी को मतदान होगा और रात तक परिणाम आ जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर जहां पहले चरण की लोक सूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में 3,847 ग्राम पंचायतों में चुनाव किए जाएंगे। 8 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 9 जनवरी को नाम वापसी का दिन होगा। प्रत्याशी 9 जनवरी तक को नाम वापस ले सकेंगे और 9 तारीख को ही यानी 9 जनवरी को ही साफ हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। शाम तक नाम वापसी का समय होगा। वहीं 17 जनवरी को मतदान होगा। रात तक उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। तो पहले चरण की लोक सूचना जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर 3,847 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता भरत राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। भरत, पंचायत चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ कहा गया इस लोक सूचना के तहत? देखिए, आज से पंचायतों में जो चुनाव है उनकी डुबडुबी शुरू हो गई है और गांवों की जो सरकार है उसमें पंच और सरपंच के लिए आज से सभी 33 जिलों में 3,800 जो ग्राम पंचायत है उनमें चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और कल इसके लिए नामांकन लिए जाएंगे और इसके बाद उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। इसके बाद पहली बार है जब उनको चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद मतदान के लिए इतने दिन का समय मिलेगा। 17 तारीख को सुबह मतदान होगा और उसके लिए ईवीएम से पहली बार सभी पंचायतों में ईवीएम से चुनाव होंगे। सारी निर्वाचन विभाग ने तैयारियां कर ली है और पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव का रणबेजी गांव में बज गई है। इसके लिए अब लगातार जो सरपंच प्रत्याशी है वो लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी को होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें जहां पर